हमने देखा किस तरीके से बिल्किस बानो के रेपिस्ट को गुजरात सरकार ने छोड़ दिया। अभी उनकी सजा कंप्लीट नहीं हुई थी और फिर भी उन्हें जाने दिया। बिल्किस बानो 21 साल की थी जब उसके साथ गैंगरेप करा गया। वो 5 महीने प्रेग्नेंट थी, फिर भी उसके साथ गैंगरेप करा गया और उसकी आंखों के सामने उसके परिवार के 7 लोगों को मार दिया गया। इतने घिनौने क्रिमिनल्स को गुजरात सरकार ने, जब तक उनकी पूरी उम्र कैद पूरी भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही छोड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार ने गुरमीत राम रहीम, जो कि एक रेपिस्ट है, एक मर्डरर है, और सिर्फ एक इंसान का रेप और मर्डर नहीं करा, उसने ऐसे कई घिनौने क्राइम करे हैं, और उसके बावजूद उसको हरियाणा सरकार ने पेरोल पे बार 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 छोड़ देते हैं। और अभी तो जब वो पेरोल पे बाहर निकला तो हम सब ने देखा कि किस तरीके से वो प्रवचन कर रहा है, किस तरीके से हरियाणा के जो मंत्री हैं, हिमाचल के मंत्री, हरियाणा के डिप्टी स्पीकर, हरियाणा के मेयर जाके उसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है। मैं चाहती हूँ कि इस देश में ऐसे सख्त कानून हो कि अगर कोई रेप करे, अगर कोई इतना घिनौना काम करे और उसको सजा मिले, लाइफ सेंटेंस मिले, उम्र कैद मिले, तो उसके बाद उसको जेल से रिहा ना कर पाए कोई। तो इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि हमारे देश में जो रिमिशन की पॉलिसीज हैं, जो पेरोल की पॉलिसीज हैं, उन्हें सख्त करने की जरूरत है। जब तक बिल्किस बानो के रेपिस्ट और गुरमीत राम रहीम जैसे लोग आजाद घूम रहे हैं और जेल में बंद नहीं है, तो जितनी भी देश में निर्भयाएं हैं उनका मनोबल कम होता है और जितने रेपिस्ट हैं उनका मनोबल बढ़ता है। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है, तुरंत इस मामले में इंटरवीन करें, बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं उनको जेल पहुंचाएं, गुरमीत राम रहीम को वापस जेल पहुंचाएं और देश में इतने सख्त पेरोल और रेमिशन की पॉलिसीज क्रिएट करें कि दोबारा बिल्किस बानो के रेपिस्ट और गुरमीत राम रहीम जैसे लोग किसी हाल में जेल से बाहर ना निकल पाए।